मजरूब समझते हो वो दुनियाई है, वाह वाह वाह, अलकदर को भी मतलूब है शोहरत छह पर, जिसको मजरूब समझते हो वो दुनियाई है। तो और बताइए। हाँ जी, और आप शेर सुनाइए, मैं टेक्निकल जो है इसको जरा सा ठीक कर रहा हूँ। या तो अच्छा हाँ ठीक, मेरे ख्याल में ठीक हो गया है मामला। तो अच्छा इन दिनों साहब ऑनलाइन मुशायरा और ऑनलाइन वेबिनार और ये टीचिंग और ये सारी चीजें, इनका बड़ा गलगला। तो जी इसके बारे में आपका क्या ख्याल है शेफ भाई, ये क्या टीचिंग के बारे में भी बताएं और मुशायरों के बारे में भी बताएं कि जो हम कर रहे हैं तो क्या? इत्तेफाक से ये दोनों दोनों चीज़ों का तजुर्बा मुझे है, क्योंकि जी आजकल क्लासेस सब ऑनलाइन हो रहे हैं जी हाँ और मशायरे वेबिनार भी हो रहे हैं। तो जी हाँ बहुत से मशायरों और वेबिनार में मैं शिरकत कर चुका हूँ। तो बहरहाल उनकी अफादियत तो है, इसमें तो कोई शुबा नहीं। ख़ास तौर से ये जो इस सूरत हाल हमारे सामने है, जिसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं था, अंदाज़ा ही नहीं था कि ऐसा भी कभी हो सकता है कि पूरी दुनिया एक इज्तमाई जो है वो कैफियत के फेर में आ जाएगी। तो ये जो सिलसिला हुआ है, इसके जो शिकार हम सब लोग हुए हैं, तो उससे निकलने की कोई सूरत तो होना थी। चुनाचे जी बहुत से लोग तो ये कह रहे हैं, जो कुछ शायरों के खिलाफ रहते हैं, वो कहते हैं कि साहब देखिए, इस वबा में भी शायरों ने शायरी और मशायरे का जो है वो मौका निकाल लिया है और वो ऑनलाइन मशायरे शुरू कर दिए। लेकिन ये कि इससे एक एक चीज़ तो एक पहलू इसका ये है कि मशायरा पूरी दुनिया में होते हैं, अमेरिका में भी और इंग्लैंड में भी और गल्फ कंट्रीज में और हिंदुस्तान पाकिस्तान सब जगह होते हैं। लेकिन ये जो मशायरे हो रहे हैं, जैसे कि आपका ये प्रोग्राम है या इसके अलावा जो मशायरे वगैरह हो रहे हैं, उसमें सुनने वाले पूरी दुनिया से जी हाँ उसमें आ जाते हैं। इसमें आज आपके देखने और नाज़रीन और सभी जो हैं वो भी पूरी दुनिया के मुख्तलिफ पूरी ममालिक दुनिया के से लोग हैं। हैं। जी तो ये एक बड़ा एक अजीब गरीब और जी बहुत अहम पहलू है इसका, वेबिनार का भी और ये ऑनलाइन मशायरे का भी, कि इतना इतने लोगों से बैक वक्त मुलाकात हो जाती है, वो आपकी शायरी आपके ख्याल आपकी गुफ्तगू सुन सकते हैं और उसमें शरीक भी हो सकते हैं। तो ये एक पहलू तो बहुत अहम है इसका। हालांकि ये शिकायत भी लोग करते हैं कि जी साहब जी फेस टू तो फेस अपनी क्लास में किताब, जो हाँ एक सिलसिला रहता है, तो वो मज़ा ऑनलाइन क्लासेस में नहीं आता। लेकिन ये कि बारह जरूरत ज़रूरत को तो किसी हद तक वो पूरा कर रहे हैं पूरी हो क्लासेस। रही है। जी हाँ, नहीं वेस्ट में तो कॉमन है ये बात, बहुत सारे मुशायरे ये नहीं क्लासेस और ये क्लासेस चारी चीजें, इंडिया के लिए ये नई है ये चीज सूरत हाल, मगर आस्ते आस्ते इस पर काबू पा रहे हैं लोग, ठीक से कर रहे हैं। तो साहब ये अब जो वक्त हमारा जो है ये हुआ चाहता है, तो अपनी पसंद की एक आखिरी गजल आप सुना दें। और ये तो बड़ा मसला है अपनी पसंद अपनी पसंद, की माशाल्लाह गजलें तो आपकी सब एक से बढ़कर एक, बहुत ही बहुत अच्छी नहीं, गजलें। मैं ये करता हूँ कि अपनी पसंद की नहीं, इधर जो मेरी लेटेस्ट गजल है वो लेटेस्ट है। मैं जी हाँ पढ़ता जी हाँ जी हाँ, हूँ। मुलाहिज़ा कीजिए, ये यादा मतला है। और मतले से पहले मैं ये भी कहूँगा कि साहब इश्क जो है, मैं समझता हूँ कि वो एक इबादत है, वाह और वह इबादत जो है पाक साफ हुए बगैर नहीं की जा सकती। वाह तो हम पाक होने के लिए कभी वुजू करते हैं और जहाँ पानी में असर नहीं आता तो तयम्मुम करते हैं। तो इस हवाले से एक मतलब मैंने कहा, जी मतलब कहा है कि पाँव सहरा करता हूँ, वाह आंखें लहू करता हूँ मैं, वाह, पाँव सहरा करता हूँ, आंखें आंखें लहू, लहू करता हूँ मैं, दिन तयम्मुम करता हूँ और शब वुजू करता हूँ मैं। वाह 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 आंखें वाह से वाह, पांव सहरा करता हूँ, आंखें लहू करता हूँ मैं, दिन तयम्मुम करता हूँ और शब वुजू करता हूँ मैं। और शेर तो मेरे सभी से बात करते हैं मगर, शेर तो मेरे सभी सभी से बात से करते बात करते हैं हैं यार। मगर, शेर के पर्दे में उससे गुफ्तगू करता हूँ मैं, शेर के पर्दे में उससे गुफ्तगू करता हूँ मैं,
और ये शेर भी सुनिए कि देखता हूँ क्यों हर एक साये को मुड़कर दूर तक, देखता हूँ क्यों हर एक साये को मुड़कर दूर तक, किसकी इन परछाइयों में जो सुजू करता हूँ मैं, वाह, किसकी इन परछाइयों में जो सुजू करता हूँ मैं, और ये के मलबूसे जुनू है या लिबासे आ गई, ये के मलबूसे जुनू है या लिबासे आ गई, चाक भी करता हूँ खुद ही खुद रफू करता हूँ मैं, ये के मलबूसे जुनू है या लिबासे आ गई, चाक भी करता हूँ खुद ही खुद रफू करता हूँ मैं। और ये शेर मुलाहजा कीजिए कि एक जमाना वो भी था जब मैं ही मैं था हर तरफ, एक जमाना वो भी था जब मैं ही मैं था हर तरफ, जब से देखा है तुझे बस तू ही तू करता हूँ मैं, तू करता हूँ मैं, वाह वाह वाह, जब से देखा है तुझे बस तू ही तू करता हूँ मैं। और मख्ता मुलाहजा कीजिए कि इश्क शह पर लम्हा भर में दम बखुद हो जाता है, इश्क शह पर लम्हा भर में दम बखुद हो जाता है, हुस्न का जब नाम लेकर उस पे छू करता हूँ मैं, अरे वाह, इश्क शह पर लम्हा भर में दम बखुद हो जाता है, हुस्न का जब नाम लेकर उस पे छू करता हूँ मैं, पांव सहरा करता हूँ आंखें लहू करता हूँ मैं, दिन तयम्मुम करता हूँ और शब वुजू करता हूँ मैं। भाई वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अच्छा साहब, ये जयपुर भाई हमारे जवां साल शायर जो हैं, हमारी बड़ी शायरी उर्दू में हो रही है, तो इनके लिए कोई पैगाम आप बता दें कि इन्हें क्या करना चाहिए कि आपकी तरह का शेर कहने लगें। नहीं, मेरी तरह का नहीं, उससे अच्छा शेर कहें, और मेरी ये दुआ है और ये तवक्के भी है उनसे। और इस वक्त जवां साल शायर बहुत हैं, बहुत हैं, मैंने देखा पाकिस्तान में भी हैं और बड़े अच्छे 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 शेर कह रहे हैं, और हिंदुस्तान में भी हैं, और बहुत से ऐसे हिंदुस्तान में ऐसे शुरा भी हैं कि जिनको लोग उर्दू वाला नहीं कहते, लेकिन वो शायरी की तरफ रागिब हुए हैं, और बड़े नादिर मौजूआत कहने का बड़ा अछूता उसलूब इस तरह के लोग भी सामने आ रहे हैं, तो इसको देख के खुशी होती है। मैं समझता हूँ कि अच्छे बड़ा शायर तो सदियों में कोई एकाद पैदा होता है, लेकिन अच्छे शुरा की खासी तादाद है इस वक्त दोनों मुल्कों में। दूसरी बात ये भी है कि इस तरह के लोग भी नज़र आते हैं कि काता और ले दौड़ी, तो ये भी बहुत से लोग कहते हैं, हालांकि जुमला तो बहुत पुराना है ये, लेकिन आजकल भी कहा, कई लोगों ने लिखा कि इस ज़माने में लोग लिख ज़्यादा रहे हैं और पढ़ कम रहे हैं। पहले जो असाज़ा कहते थे कि पहले 1000 शेर पढ़ो और याद करो, उसके बाद आना हमारे पास, तो ये है कि थोड़ा मेहनत करना, पढ़ना तो बहरहाल चाहिए लोगों को, लेकिन ये कि मैं नए लोगों से मायूस नहीं, मैं समझता हूँ कि वो अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छे शेर कह रहे हैं, ऐसे लोग होने चाहिए और उनसे तवक्को है कि वो आगे और बेहतर करें। अब जावेद साहब, आपकी आवाज़ आना फिर बंद हो गई है, ये जो टेक्निकल बात चीज़ें हैं इनके बड़े फ़ायदे हैं लेकिन कुछ मसाइल भी हैं, तो बहरहाल हर चीज़ के कई पहलू होते हैं, इसके भी ये तमाम पहलू हैं और इसकी वजह से ये है मसला जी। जावेद साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? अब आ रही है जी। हाँ, आज डिस्टरबेंस थोड़ी सी हो गई बाद में, और प्रोग्राम हमारा बहुत अच्छा रहा, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला आज हमें, और सुनने को मिला बहुत अच्छी अच्छी गज़लें। तो साथियों दोस्तों, इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम हम रैप अप करेंगे, और आप सबों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। शैपर साहब का शुक्रिया तो है, शैपर भाई हमारे बहुत ही करीबी दोस्तों में हैं, उनका करम है कि वो इस प्रोग्राम में आए। अगले हफ्ते हमारे सफदर इमाम कादरी साहब सैटरडे नहीं बल्कि संडे को इस बार प्रोग्राम होगा, क्योंकि मुहर्रम की वजह से एक दिन हमने आगे बढ़ा दिया है, तो उस प्रोग्राम में भी आप सब आएँ, इसी
शौक़ के साथ। तो इजाज़त दीजिए और फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।